केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव किया है। नमस्कार, मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। सालाना 6000 रुपया का लाभ लेने वाले किसानों को अब केंद्र सरकार की कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा और जो किसान केंद्र सरकार की इन शर्तों को पूरा करेगा उनको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जरूर मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार के द्वारा क्या कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं जिन शर्तों को किसानों को अब पूरा करना पड़ेगा अगर वो किसान जो किसान चाहते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उन्हें मिल सके। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें एक योजना पीएम किसान निधि है। इस योजना के तहत मोदी सरकार देश भर के किसानों को सालाना 3 किस्तों में 6000 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करती है। अब तक किसानों को 7 किस्तों में 14,000 करोड़ रुपये बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव किया है। सालाना 6000 रुपये का लाभ लेने के लिए किसानों को सरकार की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके नाम पर खेत होंगे। इससे पहले देश के सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा था। जिनके पास पुश्तैनी जमीन भी थी उन्हें भी लाभ मिल रहा था, लेकिन सरकार के नए बदलाव के बाद ऐसे किसानों को सम्मान निधि का लाभ अब नहीं मिलेगा। इसके अलावा वैसे किसान जो खेती तो करते हैं लेकिन उनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है तो उन्हें भी पीएम किसान निधि का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना में जो बदलाव किया है उसके अनुसार अब केवल वैसे किसानों को ही इसका लाभ मिलेगा जिनके नाम पर खुद की जमीन है। किसानों को नामांकन कराते समय ही जमीन का दाखिल खारिज देना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसानों को नामांकन कराना होगा। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है बल्कि आप खुद घर बैठे इसमें अपना नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपने खेत की दाखिल खारिज, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह के तमाम सारे खबरों को देखने के लिए देखते रहे एक्सपो इंडिया।